चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार नहीं लगाने और ऐसे बाबा पर बैन लगाने की बात कही, वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी उनका समर्थन किया। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार की ऐसी बाबाओं को आगे बीजेपी सरकार बढ़ाती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के विधायक ने सनातन धर्म परंपरा की बात कही। मैंने बार बार कहा कि भारत एक बड़ा देश है, हर प्रदेश की अपनी अपनी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। यदि नाना पटोले ने पत्र लिखा है धीरेन्द्र शास्त्री जी की सभा नहीं होने का, उन्होंने जो दृश्य मध्य प्रदेश के देखे हैं, तमाम आपकी चैनलों ने दिखाए हैं कि कई लोग, सैकड़ों लोग मर गए इस तरह की धर्म सभाओं में, भगदड़ मच गई, व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि इस तरह का हमारे वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। और बात असली ये है कि भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी से आरंभ करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान, दिल्ली में सरकार मोदी नहीं चला रहे, या तो अडानी अम्बानी चला रहे हैं, बाबा लोग चला रहे हैं इस देश के, बाबा लोग सरकार को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो पहले ही बोल चुका हूँ, काफी जोरदारी से कह चुका हूँ। कांग्रेस का दोहरा चरित्र आप देख लीजिए। कांग्रेस का बस चले तो वो तो मोदी जी पे बैन लगा दे, उनकी मंशा है, चाहे जिस बैन की बातचीत कर ले, उनके कहने से किसी पर कोई बैन नहीं लगेगा। ये सनातनी देश है, ये सनातनी परंपरा पे किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा नहीं होने देगा।